दोस्तों, आज हम फिजिक्स में एनर्जी टॉपिक को कवर करेंगे। एनर्जी में आपको पढ़ना है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो आज हम ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऊर्जा जिसको हम एनर्जी कहते हैं, जिसे हम एनर्जी कहते हैं, ये ऊर्जा क्या है? आपको पता है कि ऊर्जा को हम कह सकते हैं किसी कार्य को करने की जो क्षमता है, किसी कार्य को करने की क्षमता। यदि इसकी हम परिभाषा कहें तो आप लिख सकते हैं किसी कार्य को करने की क्षमता, किसी कार्य को करने की क्षमता को क्या कहेंगे? ऊर्जा। किसी कार्य को करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे? ऊर्जा। अब दूसरी बात आप ये समझ सकते हैं, यदि किसी वस्तु में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें ऊर्जा है और वह किसी अन्य पर बल लगा रही है, यानी कि उसमें ऊर्जा है और वो बल लगा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। मतलब ये कि ऊर्जा के रूपांतरण से ही कार्य होता है। क्या कह सकते हैं? ऊर्जा के रूपांतरण से ही कार्य होता है, से ही कार्य होता है। यदि किसी वस्तु में ऊर्जा है, वह बल लगा रही है, वह वस्तु पर बल लगा रही होगी, तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु की जो ऊर्जा है, तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही होगी, एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही होगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने लिख दिया कि आपकी परिभाषा क्लियर हो जाए। ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता है, किसी भी कार्य की करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अभी एक पॉइंट आपने और पहले भी पढ़ा था, जिसको हम पावर कहते थे, पावर शक्ति, तो वो थोड़ा सा अलग है, उस चीज को भी हम क्लियर कर देते हैं। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। किसी कार्य को करने की जो क्षमता है वो ऊर्जा है। ऊर्जा के रूपांतरण से ही कार्य होता है। मतलब जब हम कोई कार्य करते हैं तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाती है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब तीसरा पॉइंट हम कह रहे हैं कि अगर किसी वस्तु में ऊर्जा है, किसी वस्तु के पास ऊर्जा है और वह बल लगा रही होगी, अगर तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऊर्जा का ले लो कट जाएगा, चलते क्या लेना है? हम सोचे तुम वही चट्टी देख रहे, ये नहीं आता नीचे का। अभी चल रहा है टाइम का। हाँ, तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो हम आप बात करते हैं, देखिए ऊर्जा की मात्रक की अगर बात करें तो ऊर्जा के मात्रक आप जानते हैं, आपको पहले भी मात्रक वाले चैप्टर में हम बता चुके हैं। तो ऊर्जा का मात्रक एक जूल होता है। क्या होता है? जूल, या फिर आप कह सकते हैं किलो जूल, और बड़ा मात्रक कहा जाए तो किलो जूल भी आप कह सकते हैं। जूल, किलो जूल, और एक दूसरा होता है अर्घ। ऊर्जा का एक मात्रक अर्घ भी होता है। तो अगर हम समझे एक जूल बराबर क्या होता है, एक जूल बराबर, तो एक जूल बराबर हम लिखते हैं 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कभी आपसे पूछ ले एक जूल की वैल्यू क्या होती है, या एक जूल इस रूप में क्या लिखा जाएगा, तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, 1 किलो जूल बराबर, अगर हम 1 किलो जूल को लिखें तो ये 10 की पावर 3 जूल होता है, 10 की पावर 3 जूल। ठीक है, एक जूल की वैल्यू लिखी जाए तो 10 की पावर 7 अर्घ होता है। तो ये एक दूसरे में संबंध है, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्घ होता है। ठीक है, तो अब इन तीनों को आप जानते रहें, इतने से आपका
मात्रा क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमें पढ़ना है ऊर्जा में पहला पॉइंट क्या, एक गतिज ऊर्जा, क्या पढ़ना है, गतिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा, ठीक है, इसको हम कहते हैं इसको हम के ई से प्रदर्शित करेंगे जो के ई बराबर गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पर ये के ई आपका गतिज ऊर्जा है, के ई क्या है, गतिज ऊर्जा, हाफ का कांस्टेंट वैल्यू है, एम क्या है, द्रव्यमान, एम क्या है वस्तु का द्रव्यमान, और वी क्या है उस वस्तु का वेग, और वेग का यहाँ पे स्क्वायर, यानी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है इसको हम बताएं आपको, गतिज ऊर्जा अगर आपसे पूछा जाए कि गतिज ऊर्जा क्या है, तो आपको सीधी सी परिभाषा बतानी है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होगी, उसकी गति के कारण जो उसमें स्पीड है, जो उसमें वेग है, गति के कारण जो ऊर्जा होगी उसकी वजह से, गति के कारण जो ऊर्जा होगी उसकी वजह से जो उसमें बल उत्पन्न हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा आप देखें, अगर हम इसको कहें कि ये के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो आप यहां से कह सकते हैं क्या, आपको बता दिया गति के कारण, तो इस बात को आप चाहे तो और भी समझ ले, गति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो क्या है, गति के कारण जो किसी वस्तु में ऊर्जा निहित है या है उत्पन्न होगी वो क्या है, गतिज ऊर्जा। जैसे अगर हम बात करें, ये टेबल है और ये ऊपर जो है वो कांच है, ऊपर जो क्या है कांच है, इस पे एक वस्तु रखी हुई है, एक वस्तु मान लीजिए एक लोहे की ही बॉल रखी हुई है इस पे, और ये कांच टूट नहीं रहा, इसके रखने से टूट नहीं रहा है, लेकिन ये इसमें भार होगा, इसमें ऊर्जा होगी, इस पे फोर्स लगा रहा होगा, तो इसमें ये फोर्स लगाएगा, अभी जो फोर्स लग रहा है वो अभी कम फोर्स है, अब ये कांच इस समय इसके भार को सह रहा है और कांच टूट नहीं रहा है, इसी बॉल को उठाइए और ऐसे ऊपर से गिरा दीजिए, इसी बॉल को उठाइए ऊपर से गिरा दीजिए या थोड़ा तेजी से इसको मार दीजिए कांच पे, तो कांच टूट जाता है, तो हुआ क्या, बॉल तो यही है ना, इसके वजन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो चेंज कहां से हो गया, स्पीड में, कहां से चेंज हो गया, स्पीड में। भाई बॉल अगर ये हमने मान लिया कि 1 किलोग्राम की थी, बॉल क्या थी 1 किलोग्राम की, जब हमने ऊपर से उठा के छोड़ा तो अभी बॉल का वजन कितना था, 1 ही किलोग्राम था, लेकिन अभी ये स्थिर थी, जब ऊपर से छोड़ा गया तो इसमें वेग आया, इसमें क्या आया, गति आई, इसमें गति आ गई, और उस गति के कारण इसमें कुछ ऊर्जा आ गई, इस गति के कारण इसमें ऊर्जा आ गई, और उस ऊर्जा की वजह से गिरने पर ये कांच टूट गया। तो अब जो ये कांच टूट गया वो किसकी वजह से, इसमें जो गतिज ऊर्जा आ गई, इस बॉल में जो गतिज ऊर्जा आ गई, पहले ये बॉल इसको रखने पर तोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन थोड़ा सा ऊंचाई पर ले जाके हमने छोड़ा तो उसमें गतिज ऊर्जा आ गई, और जब छोड़ा उसमें जो गति थी, उस गति के कारण जो ऊर्जा समाहित थी, उस ऊर्जा ने इसको तोड़ दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि गतिज ऊर्जा क्या है, तो किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा कहलाएगी, तो ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे, ये के ई बराबर, यानी गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं के ई प्रोपोर्शनल होगा किसके, एम के, और के ई प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होगा किसके, वी स्क्वायर के। इसको आप ध्यान से समझें, के ई प्रोपोर्शनल होगा किसके, एम के, मतलब ये कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, इसका सीधा सा मतलब है ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। तो अगर द्रव्यमान किसी वस्तु का कम होता है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसको इस केस में भी समझ लें कि यहां पर वेग क्या हो, कांस्टेंट हो, जब हम बात कर रहे हैं एम की तो वेग कांस्टेंट हो, जब हम बात करें वेग की तो यहां पर एम कांस्टेंट हो, यानी द्रव्यमान कांस्टेंट हो। तो वेग को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम ये कहें कि एक वस्तु 5 किलोग्राम की है, कितने किलोग्राम की, 5 किलोग्राम की, उसका वेग वी है, पहले भी और बाद में भी वी है, तो अब 10 किलोग्राम की वस्तु कर दी जाए, और ये एक निश्चित वेग से ही पहले टकरा रही थी किसी चीज से, और फिर 5 किलोग्राम की वस्तु वी वेग से टकरा रही थी, 10 किलोग्राम की वस्तु वी वेग से ही टकरा रही है, तो आप बताओ यहां पर जो वैल्यू होगी, 5 किलोग्राम की वैल्यू यहां रखी जाएगी, और जब 10 की रखी गई तो मान ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा इसकी 10 किलोग्राम पे ज्यादा हो जाएगी, क्यों,
यम बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है वेग को कांस्टेंट रखते हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा भी उसी रेशियो में उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर वेग बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ वेग में स्क्वायर है तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तो अनुपात सीधा है, अगर ये दो गुना हो गया तो ये भी दो गुना हो गया। सवाल आपसे अगर पूछ ले कि किसी वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए वेग को कांस्टेंट रखते हुए तो उसकी गतिज ऊर्जा अगर m को दोगुना किया गया तो गतिज ऊर्जा भी दुगनी हो जाएगी, m को तीन गुना किया गया तो गतिज ऊर्जा भी तीन गुना हो जाएगी, m को आधा किया गया तो गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी, m को एक चौथाई किया गया तो गतिज ऊर्जा एक चौथाई हो जाएगी। ठीक है, अब हम अगर इसकी बात करें कि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो अगर वेग को दोगुना कर रहे होंगे तो आप देखें के जो मिल रहा होगा v को अगर हम दुगना कर रहे होंगे, यानी पहले तो ये v था अब इसको हम दुगना करें तो 2v हो जाएगा और ये 2v जो बनेगा वो 4v स्क्वायर यानी 4v स्क्वायर। तो पहले जो v था वो दुगना होने के बाद यहाँ पर कितना दिख रहा है 4v स्क्वायर, यानी v से 4v स्क्वायर तो v का कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया। तो अगर हम वेग को दुगना करते हैं तो गतिज ऊर्जा उसकी कितनी गुना हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी, कितनी गुना 4 गुना हो जाएगी। अगर आपसे ये सवाल पूछे कि गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, तो आप समझें पहले ये जो था पहले कितना था v स्क्वायर यानी 1v स्क्वायर, इसको आप एक समझ सकते हैं, यहां पर 1v स्क्वायर था, गतिज ऊर्जा उसकी के ही थी तो यहां पर v स्क्वायर पे के ही थी। अब यहां पर जब वेग को दुगना कर दिया गया तो वेग जब दुगना हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा भी उसकी कितनी हो जाएगी 4 गुना, गतिज ऊर्जा वो कितनी जाएगी 4 गुना। तो अगर हम यहां लिखें कोई चीज 1v से या 1v स्क्वायर थी उससे कितनी हो गई 4v स्क्वायर, तो आप कहेंगे हो गई कितनी, हो गई 4 गुना, हो गई कितनी 4 गुना। लेकिन अगर इसी बात को हम ऐसा कहें कि बढ़ गई कितनी, बढ़ना बढ़ गई, तो बढ़ गई कितना 3 गुना, क्यों भाई 1 थी और 1 जो है 4 हो गया तो बढ़ा कितना इसमें, इसमें इंक्रीमेंट कितने का हुआ 3 गुना का। तो अगर आपसे सवाल पूछता है कितने गुना हो गया तो आपका आंसर होगा सीधे 4 गुना। यदि आपसे पूछता है कि कितने गुना बढ़ गए तो बढ़ कितने गई 3 गुना, यानी 1 तो पहले से था 4 हो गया तो 1 था 4 हो गया तो बढ़ा कितना 3 गुना। क्लियर है, देखिए अगर ये कहता है ये के ही आपका है फार्मूला आपका हाफ एम वी स्क्वायर, द्रव्यमान को दोगुना और वेग को भी दोगुना कर दिया जाए, देखिए ये हाफ तो क्लियर है हाफ जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है ये मैटर नहीं करेगा, मैटर यम और वी करेंगे यानी जो इस पे प्रभाव डालेंगे इनमें जो चेंजेस आएंगे यानी ये किस पे डिपेंड होगा तो वो यम पे डिपेंड होगा और वी पे, हाफ तो कांस्टेंट वैल्यू है इस पे डिपेंड नहीं होना। यदि हम यम को कहीं दोगुना कर दिया जाए तो m 2m हो जाएगा, वेग को दुगना कर दिया जाए तो 2v हो जाएगा। अब पूछे गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी तो आप बताओ भाई पहले तो हाफ mv स्क्वायर थी, अब यहां पर अगर हम सॉल्व करें तो हाफ तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये 2m इनटू ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4v स्क्वायर और ये 4 गुना 8 हो जाएगा तो 8mv स्क्वायर। तो आप इतने को देखें जो कांस्टेंट वैल्यू है हाफ को आप ना देखें, हाफ तो यहां भी है हाफ यहां भी है तो ये mv स्क्वायर यानी 1mv स्क्वायर, इसको हम क्या कह सकते हैं 1mv स्क्वायर, अलग से देखें तो 1mv स्क्वायर 8mv स्क्वायर हो गया। अगर आपसे पूछे कितना गुना हो गया तो आपको बताना है 8 गुना हो गया, लेकिन अगर पूछे कि बढ़ कितना गुना गया तो आपको क्या आंसर देना है 7 गुना बढ़ गया, बढ़ कितना गया 7 गुना बढ़ गया। ठीक है, देखिए ये आपको दिख रहा होगा यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी, है ना, वस्तु का द्रव्यमान दोगुना, तीन गुना किया गया तो 3 गुना, 4 गुना किया गया तो 4 गुना हो जाएगा, यदि वस्तु का द्रव्यमान आधा किया गया तो गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी, यदि वस्तु का वेग दोगुना किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, यदि वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा एक चौथाई हो जाती है, भारी वस्तुओं को अधिक वेग से चलाने के लिए अधिक गतिज ऊर्जा और हल्की वस्तुओं को कम वेग से चलाने के लिए कम गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यदि किसी गतिमान कार द्वारा दूरी तय करने के लिए किए गए कार्य की गतिज ऊर्जा को आवश्यकता होती है, मतलब किसी कार्य को
हम ये कह रहे हैं किसी गतिमान कार्य को दूरी तय करनी है तो उसके लिए गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। यदि इसका मात्रक देखें तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ तो कंसर्न वैल्यू है, एम क्या हो गया किलोग्राम, और वेट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर तो आप करेंगे तो ये मिल जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी आपको हमने क्या बताया, एक जूल को हम क्या लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को 10 की पावर 7 आर्ग भी कह सकते हैं, ठीक है।